नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। रणवीर शौरी ने बता रहे हैं साई को अपने टॉप फाइव। कौन होंगे वो टॉप फाइव रणवीर शौरी के मुताबिक, चलिए आपको बताएंगे। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। बिग बॉस OTT 3 का जल्द ही ग्रैंड फिनाले होने वाला है। महज 2 हफ्ते का फासला है और ये जो वीकेंड का वार अब होगा वो फ्राइडे और सैटरडे को होगा, संडे को नहीं होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद या उसके अगले बाद यानी कि 11-12 अगस्त के आसपास ग्रैंड फिनाले हो जाएगा और जो नया बिग बॉस 18 शुरू होगा वो अक्टूबर में होगा। तो ग्रैंड फिनाले को लेकर लगातार अपडेट आ रही है। 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल गया है शो को। 5 या 6 तारीख को इसका फिनाले होना था लेकिन 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ग्रैंड फिनाले नजदीक है तो घर में बहुत सारी बातें भी चल रही है और कुछ ऐसी ही बातें लाइव फीड में रणवीर शौरी और साई केतन राव के बीच में चल रही है, जहां पर टॉप फाइव को लेकर डिस्कस किया जा रहा है। तो रणवीर ने कहा है उनके मुताबिक टॉप फाइव में रणवीर यानी कि वो तो होंगे ही, और कृतिका, अरमान, साई, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नेजी या फिर शिवानी में से कोई एक हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मैं चाहता हूँ वो वैसे भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली टॉप फाइव होंगे लेकिन ये शायद नहीं होंगे। उसमें सना मकबूल का नाम हो सकता है, अरमान मलिक का हो सकता है, डेफिनेटली रणवीर का नाम भी हो सकता है, और तो और लवकेश का नाम भी हो सकता है, शायद से विशाल पांडे भी हो सकते हैं उनमें से अगर एक आध का नाम हटा दें तो। रणवीर शौरी ने जो लास्ट में बात कही है कि जो मैं टॉप फाइव बता रहा हूँ, रणवीर, कृतिका, अरमान, साई, शिवानी या नेजी में से कोई एक, तो ये टॉप फाइव नहीं होने वाले हैं। और जाते जाते उन्होंने ये बात भी कही है, बात को खत्म करते हुए, कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता है। तो देखने वाली बात ये होगी टॉप फाइव कौन होगा बिग बॉस OTT 3 का। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइएगा।